टू माई चैनल शानिया ब्लॉग। सब सब कैसे, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक। और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं डालती हूँ अपने प्लांट में फर्टिलाइजर, जो कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि डालने के लिए, बहुत टाइम से किचन वेस्ट जो है वो रेडी करती हूँ। ये फर्टिलाइजर जो है ना वो किसी पैसे से नहीं लिया है, किचन जो किचन वेस्ट निकलता है, जैसे सब्जियों के कोई छिक्कल हो गए और जो सब चीज़ें हैं जो फ्रूट खाते हैं उनके, तो वो सब मैंने कलेक्ट करके रखे थे 3-4 दिन से। फिर बारिश हो रही थी इस वजह से मैं डाल नहीं पा रही थी, लेकिन आज बिल्कुल ठीक है और आज मैं इसे डाल सकती हूँ। प्लांट में पानी की भी ज़रूरत है तो इसीलिए। और अब मैं इसमें करने वाली हूँ, मतलब ये दो जगह मैंने दो बकेट में डाल लिया है और अभी इसमें मैं नॉर्मल पानी मिलाऊंगी। ऐसे नहीं डाल सकते डायरेक्ट, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए इसमें आधा फर्टिलाइजर और आधा पानी। मम्मी इसको खींच के लेके जा रही है, अरे ज़्यादा मत खींचो। आधा पानी और आधा फर्टिलाइजर तो ऐसे डालने वाली हूँ और इसका रिजल्ट भी देखनी है। इसका रिजल्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है। अरे भाई नागिन डांस मत कर रही, मम्मी बंद कर दो। आज तो मम्मी बिल्कुल सही टाइम पर काम किया है, एक बार में सुबह, नहीं तो हमेशा ना 4-4, 5-5 बार चिल्लाना पड़ता है। और मुझे मनी प्लांट का ना ये जो ये लगा हुआ है ना, ये दोनों ही मनी प्लांट के टूट गए हैं, तो मुझे ये भी लेकर आने हैं अभी। और फिर ये अभी फिर से बढ़ गया है इतना, तो फिर से इसे काटना पड़ेगा मुझे। अब मैं फर्टिलाइजर को कर लेती अच्छे से मिक्स और अब डालूंगी। अब ये रेडी हो चुका है प्लांट में डालने के लिए। और जब भी आप किचन वेस्ट करें तो उसे छानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो सब डाला है तो वो भी सारे प्लांट में चले जाए, वो उस प्लांट में नहीं जाना चाहिए। अगर वो प्लांट में गया तो फिर फंगस लग सकती है, इसीलिए तो पहले मैं इसे प्लांट में डालती हूँ। अभी मैं कर लेती हूँ अपनी एक्सरसाइज। हर बार क्या होता है, मैं एक्सरसाइज करने के बाद बताती हूँ आपको कि मैंने एक्सरसाइज कर ली, लेकिन आज मैं पहले बोल रही हूँ कि मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रही हूँ और फिर उसके बाद आज बनाना है बालों के लिए शैम्पू। तो पहले एलोवेरा काट के रखते हैं। हाँ मुझे याद आ गया, एलोवेरा काटते हैं। यहाँ पर मम्मी बना रही है आज मठा के आलू और मैं बनाने वाली हूँ ढोकला, इसीलिए ये रखा हुआ है मैंने। एलोवेरा को काट कर मैं रख दूंगी इधर ही, क्योंकि इसका जो येलो पार्ट है वो निकल जाएगा तब तक। अभी हो गई मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट और अब ना थोड़ा थोड़ा ठीक लगने लगा, इतनी ज्यादा दर्द जो होता था ना वो अब नहीं होता है और बाकी फेस पर भी ग्लो आने लगा है। तो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद जो है शैम्पू बनाते हैं और फिर उसके बाद जो आगे के काम है वो करते हैं। अभी को नहीं दिखा सकती मैं, नहीं दिखा रही मैं तुझे, और जल्दी से दिखा दिया तो नहीं दिखा सकती मैं तुझे, अभी गेट के पीछे नहीं दिखा सकती मैं। ये देखो अभी अभी के एप्स देखने, एप्स तो यहाँ से अभी उतारेगा, कुकर उतारे जो कि पहले उतार चुका था और अभी ब्लॉग के लिए फिर से उतार रहा है। तो भी यहाँ पर बन गई सब्जी और ये बन रहा है मेरा शैम्पू, तो ये बन जाता है। तो बात बनाते हैं ढोकला पहले नहाने के बाद, तब तक मैं थोड़ा सा साफ कर लूँ बाहर वाला रूम। अभी तो बहुत सुंदर लग रहा है, देखा एकदम, देखा मुझे, देखा मुझे, देखा देखा मुझे तो देख। ये देखो ये होता है सस्ता नशा जो कि बिना पिए होता है अभी को। तो पहले इस बेडशीट को बिछा देते हैं और फिर उसके बाद नहा कर आती हूँ, फिर बनाएंगे ढोकला, क्योंकि पारस आज इंतजार में होगा। स्पेशली जो ढोकला बनाया ना वो मैंने पारस के लिए बनाया है। ने ना मेरे फोन का जो टेम्पर निकाला ना वो टेम्पर लगवा के अगर मेरा फोन टूटा अभी तो तुझे इसकी स्क्रीन डलवानी पड़ेगी। और तूने बहुत बार बोला कि टूट जाएगा, ये हो जाएगा, तो मेरा टेम्पर डलवा के ला पहले, फिर उसके बाद कुछ करना। तो ये लग गई मेरी बेडशीट और बेडशीट हमेशा बेड पर अच्छी सी लगी होनी चाहिए, मतलब एक भी सिलवट नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लीन होनी चाहिए, तो वही अच्छी लगती है मुझे। और बाकी जिस दिन से मैंने मेकअप वीडियो बनाई है उस दिन से यहीं रखा हुआ है, क्योंकि मुझे मेकअप वीडियो रेगुलर बनानी है लेकिन हो नहीं पाता है। तो आज मेकअप वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि आज गट्टू का एग्ज़ाम है, तो आज गट्टू एग्ज़ाम देकर आएगा तब तक मेरी वीडियो बन चुकी होगी। और फिर उसके बाद वो पढ़ता है, इस वजह से मैं इस रूम में अभी ज़्यादा नहीं रहती हूँ क्योंकि वो पढ़ता है। तो आज मेकअप वीडियो बनाएंगे। यार इस स्टैंड को भी ना एक साल से ज़्यादा हो चुका है, इतना यूज़ नहीं किया है मैंने, बट मैंने मंगाया बहुत जल्दी था कि मतलब पहले मैं रेगुलर वीडियोस बनाती थी मेकअप वीडियो, लेकिन अब उतना नहीं बनाती हूँ, एक साल से बेचारा ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो अभी मम्मी ले आई है बहुत सारा नींबू, कड़वा नींबू दोनों है, नींबू दो नींबू भी कड़वा, कौन पूरा पेड़ ही ले आई वो नहीं, जितना डाली और आ जाओ। देखो आज तो अभी पढ़ रहा है बहुत मेहनत से, देखा है ऐसा बच्चा जो कान में ईयरफोन लगा के पढ़ता हो,
अभी क्या सुन रहा है? अभी अभी इसे सब सुनाई दे रहा है, लेकिन ये जानबूझकर नहीं सुन रहा है। मैं देख क्या दू क्या सुन रहा है ये। ओ ये सुन रहा है गाने, बदतमीज। ये पढ़ाई हो रही है तेरी? नकल छाप रहा है इधर से, असाइनमेंट लिख रहा है चेक करके और गाने सुन रहा है। अभी वाला री वाला ना तेरा वीडियो चाचा को दिखाऊंगी मैं। और कल वाला ऑडियो भी, मेरे पास ऑडियो जो तेरे सर ने ना शिकायत की थी वो वाली भी। मैं अभी नहाकर और मेरा ढोकला बनके रेडी हो गया है, तो आधा इसमें से खा लिया है इन लोगों ने। तो अभी मैं मतलब और बन रहा है, एक ही रहा और एक ठंडा हो रहा है अंदर। तो मैंने तीन प्लेट बनाया है और अब मैं इसमें किसी ने पानी की कुछ कुछ बूंदे होंगे इसलिए पूरे में ऐसे तेल तेल हो गया, मैंने इसे बंद कर दिया है। तो इसे फिर से स्टार्ट करती है और इसका बनाते हैं जो इसमें डालने के लिए ऊपर जो मीठा पानी होता है वो। मैं सब चीज़ें इकट्ठी करके रख लेती हूँ, ऐसा ना हो कि मैं उसे ऑन करूँ फिर से तेल मतलब बाहर आने लगे, तो पानी भी रख लेती हूँ। तो यहाँ पर गैस ऑन कर दी है, अब डालते हैं इसमें मीठा मीठा नीम। अभी थोड़ा ठंडा है तेल, तो सबसे पहले हम जो मीठा नीम है ना उसे थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। तो बस अभी ये फ्राई होने लगा है इसीलिए इसमें मतलब थोड़े ठंडे तेल में डाल दिया, मतलब थोड़ा सा गर्म था लेकिन इसीलिए डाल दिया क्योंकि वो बाहर आ रहा था। और अब जाएगा इसमें हरी मिर्ची। तो अभी इसमें मैंने पानी डाल दिया और अब डालते हैं चीनी और थोड़ा सा नमक। मैं ढोकला के अंदर भी थोड़ा नमक और चीनी वगैरह सब कुछ डाली है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे और डालेंगे इसमें हींग। 5 से 10 मिनट के लिए मैं ऐसे उबलने दूंगी, फिर उसके और उससे पहले मैं इसको भी देख लेती हूँ कि ये कितना हो गया है। अभी इसे थोड़ा सा चेक कर लेंगे, तो इसे कर लेते हैं चेक और ये भी हो गया है। तब तक ये हो गया है ठंडा और एक इसमें बंद करके रखा हुआ है, मैंने कम से कम 2-4 मिनट के लिए रखूंगी जिससे थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, मतलब जो उसकी स्टीम बनती है उससे। और इसको मैं कट कर लूँगी और ये भी मेरा हो चुका है। अब इसमें लास्ट में मैं डाल दूँगी नींबू, नींबू गैस बंद करने के बाद ही डालना है। तो बस अब मैं ये करती हूँ। तो ये हो गया, मैंने इतना सारा ढोकला बना के रख लिया है और आज पहली बार हुआ है कि खाने के लिए कोई नहीं है क्योंकि गट्टू थक गया, तो गट्टू ले लिया उधर और सब लोग खाना खा के लेट गया। तो इसे अभी 1-2 घंटे के लिए रख दी, अगर टाइम है तो रखा रहना तो और अच्छा टेस्ट आता है इसे रखने के बाद। लेकिन हमेशा ये होता है कि जैसे ही बनता है वैसे ही ख़त्म हो जाता है, रखा तो बहुत कम ही जाता है। तो आज इसे मैं ढक कर रख देती हूँ और इसे खाएंगे चाय के साथ। तो ये देखो इनकी चल रही है कथा, क्या मस्त है, सो रहे। ये देखो कथा चल रही है उधर और ये मैडम सो रही है। अभी मैं खाती हूँ अपना खाना और टेस्ट करके बता दी कैसा बन रहा है। मैं मम्मी को टेस्ट कराने के लिए लाई थी पर मैडम सो चुकी है अभी, तो मैं ही करके बता दी कैसा लग रहा है। सबसे पहले ना इसका स्पंज चेक कर रहा है इसे, मैंने ये वीडियो में देखा था ये वापस से आता है इतना ही। तो मैं चेक करके बता दी कैसा बना है। तो मैंने बनाया तो मैं तो कहूँगी अच्छा ही बना है, बट मम्मी जब जाएंगी तब पूछेंगे उनसे कैसा बना, तब तक मैं खाना खा लेती अपना। ये देखो अब मेरी सोने की बारी आई ना, तब इनका ये फिर से फोन ऑन हो गया। अरे बस लेटती जा रही हूँ, तब सो रही थी, तुम्हारा वीडियो ले लिया है मैंने। मम्मी ढोकला कैसे बनाता बताओ? अच्छा बना है। मम्मी के लिए और लेकर आया लेकिन अब शाम को खाना, ठीक है? एक पीस नहीं। अब मैं सोऊंगी। अभी आ गए कॉलेज से, जैसे इसकी वीडियो बनाई वीडियो ही बंद हो गई है, तेरा वीडियो ही नहीं आ पाया। सोच मेरा कैमरा भी नहीं चाहता कि मैं तुझे लूं व्लॉग में। अभी चल हट, नहीं ले रही मम्मा फोन में बिजी है। मम्मा अनुपमा छोड़ के मम्मा बिग बॉस देख रही है। मम्मी कौन जीतेगा? शिवानी ने तो पलटी मार ली, दूसरे ग्रुप में चली गई। वो जो रणवीर का ग्रुप था उसमें इनकी शिवानी धोखेबाज निकली। बेवफा शिवानी। ये देखो एक जिटानी ने, एक देवरानी के बच्चे ने मारा जिटानी को। ओ अभी पिट गया। अभी मार तो वो नहीं बोलेगा मम्मी वो। तूने मेरी माँ का, मेरी मम्मी का मुंह पकड़ा, नहीं दिखेगा तुझे, अब नहीं दिखेगा। मम्मी को छेड़ा तूने मेरी को। गाल क्यों पकड़ते हैं? क्या तुझे मेरी मम्मी के गाल अच्छे लगते हैं? क्यों अभी ऐसा क्या है मेरी माँ के गालों में, यार बता जरा। ताई चना डाल दो। तुझे मेरी माँ के गाल अच्छे लगते हैं क्या? बोल साले, तेरे कल सर ने तेरी वो की है क्या? बोला आज तेरा एग्जाम कैसा गया है?
तो शर्मा के क्या बोल रहा है कि वो टकरा ही नहीं मुझसे, टकराता तो क्या तुझे खा जाता है? अपने सर को मेरा चैनल देख के आना, बोलना कि तुम्हारे लिए मेरी बहन ने कुछ बोला है, जाके मेरा ब्लॉग चैनल देखें। ये मम्मी ने देख के ना प्लेट इधर रख दिया, मम्मी के लिए मैंने इतना ही बना के रखा था, मेरी मम्मी इतनी खाती है। तो ये देखो भागी जा रही है, कहाँ जा रही है मम्मी? अपनी बहन के यहाँ जा रही थी रेडियो के मौसी के यहाँ पर। और अभी मैं आपको देती हूँ रिव्यू, जो मैंने सुबह शैम्पू यूज किया था, इस बार मैंने दो बार शैम्पू यूज कर लिया मतलब इस वीक में। तो जो कई लोगों को यूज कंडीशनर करने की आदत होती है या फिर हेयर मास्क करने की आदत होती है, तो ये लाइट जला रहा है इसलिए ऐसा बार बार हो रहा है। तो कई लोग कंडीशनर यूज करें तो वो ये शैम्पू जो है ना, क्या फैल गया क्या है पानी? तो कई लोगों को ना कंडीशनर यूज करने की आदत होती है, तो वो ये वाला शैम्पू यूज करो। मतलब एक तो कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है, बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं जैसे कि मेरे अभी हो रहे हैं, और स्ट्रेटनिंग भी लगता है कि मतलब वैसा नहीं लगता है कि जैसे शैम्पू से बाल नहीं धोए हैं, वैसा नहीं लगता है। मैं बहुत कम शैम्पू उसमें डालकर, मैं थोड़ा सा शैम्पू डालती हूँ उसके अंदर लेकिन बहुत कम, जैसे मैं जैसे दो पैकेट यूज़ करती थी तो उस जगह मैं एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ। और बाल भी बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट है, सिल्की, शाइनी, सब कुछ है। और ज़्यादा अगर कुछ और ज़्यादा जानना है तो उसके लिए आपको एक से डेढ़ महीने रुकना पड़ेगा। सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत ऐसी रील बना लेती हूँ, मतलब बिना रेडी हुए थोड़ी सी कॉमेडी रील बना ली जाए, जिससे मेरा जो इंस्टाग्राम का रीच है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन जाता जा रहा है, तो वो थोड़ा बैलेंस रहेगा। और फिर जो मेकअप वीडियो है ना वो हम स्टार्ट करेंगे गट्टू के एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि गट्टू बहुत मेरी रील बनाने के लिए रेडी नहीं है इस वजह से। हमारी गाड़ी ने 10% चार्ज है और मैं इसको बोल रही हूँ कि मत जा आगे तक मत जा, लेकिन ये सुन नहीं रहा है। अगर कभी धक्का देना पड़ा ना मैं सच में पैदल चली जाऊंगी, तू ही धक्का दे के लाइयो। बोल रही है घूमने की, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता था कि 10% चार्ज है। और यार नहीं, मैंने नहीं सुना, सच में नहीं सुना। और ये तू तो जावे, ये सबसे अच्छा रहा क्या कि मेरा ओरियो मिल गया। ओरियो अभी तुझे गाली पड़ेगी, अभी तू मत कर मत कर। हाँ मैं पागल कुत्ता ने काटो जाए। तो स्कूटी पर बाल कैसे हो गए ऐसे? अभी करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।